बलूचिस्तान लिबरेशन आर्मी ने अब तक का सबसे बड़ा हमला किया। बलूचिस्तान लिबरेशन आर्मी ने कई इलाकों में अपने नियंत्रण का दावा भी कर दिया है। उसके बाद बॉर्डर्स जो थे वो रेड अलर्ट पर भी थे और मालूम था कि कोई ऐसी कार्रवाई उस तरफ से हो सकती है। सूडान और जनूबी सूडान के मुतनाज़े इलाके में पाकिस्तानी आमन दस्ते पर हमला हुआ है। खबर से आपको आगाह करें, आपको बताएं कि बोलान के शहर मच में यके बाद दिगरे 15 रॉकेट फायर, पहाड़ों से फायर रॉकेट मच शहर के मुख्तलिफ इलाकों में। बलूचिस्तान में बेहिसी की दास्तान खत्म न होने पाए। ये पहली बार हुआ है पाकिस्तान के इतिहास में जब बलूचिस्तान के दो बड़े शहरों में माइन बिछा दी गई है और पूरी तरह से पीएलए के नियंत्रण का वहां पर दावा है। हैशटैग मच ये इस वक्त एक्सपर्ट ट्रेंड कर रहा है। 45 आर्मी के लोग या पाकिस्तानी सिक्योरिटी फोर्सेस को लोग मारे जा चुके। सर, ईरान ने पाकिस्तान पर एक और हमला किया है। ईरान और पाकिस्तान के बॉर्डर पर 9 पाकिस्तानियों को मार दिया गया है। तो अभी चूंकि ये वाकया ये हमला हुआ, जो बेसिक ह्यूमन राइट्स है वो तो दिए जाए, हम आपसे ज्यादा नहीं मांगते। तो अब क्या होता है वो खुदा जानता है बेहतर। तो ये मेरे ख्याल में हर किसी का हक है और कोई भी लड़ना झगड़ना नहीं चाहता। फिर एटम बम के बाद आ गए, अब सर दुनिया हंसने लगी हमारे एटम बम। तो हम, लेकिन अगर उसको भी आप नहीं सुनेंगे तो वो आवाज कहीं ना कहीं तो जाके पहुंचेगी। हमले का मैग्नीट्यूड इतना बड़ा है कि इससे निपटने के लिए जेकबाबाद एयरफोर्स बेस से फाइटर जेट्स उड़े हैं। बलूचिस्तान लिबरेशन आर्मी ने अब तक का सबसे बड़ा हमला किया है बलूचिस्तान के माच में। वो बोलान इलाका है जहां पे माच में हमला किया है। यह हमला करीब 70 किलोमीटर के रेडियस में किया गया है। इसमें भारी संख्या में बीएलए के आदमी हैं। किस किस के आदमी हैं? बीएलए की जो मजीद ब्रिगेड जो कि सुसाइड अटैक वो जो कि करती है, सुसाइड यूनिट है वो, साथ में एसटीओएस स्पेशल टैक्टिक्स ऑपरेशन स्क्वाड, फतह स्क्वाड और इंटेलिजेंस विंग। ये बलूचिस्तान लिबरेशन आर्मी की विंग्स हैं। इन्होंने मिलके किया है दारोए बोलन। 45 आर्मी के लोग या पाकिस्तानी सिक्योरिटी फोर्सेस को लोग मारे जा चुके हैं, ऐसा बीएलए ने प्रेस रिलीज निकाल के बताया। यह भी बताया कि इतने बड़े हमले में हम लोग इन्वॉल्व हैं और पाकिस्तानी आर्मी के बहुत सारे लोग हमने अरेस्ट कर लिए थे, उनको धमकी दी गई, उनको समझा दिया गया कि हमारा ऑपरेशन चल रहा है, बीच में घुसने की कोशिश की तो अब की बार तुम भी जिंदा नहीं बचोगे। बहुत तगड़ा अटैक, बहुत बड़ा अटैक और अभी तक ये अटैक चल रहा है। इस हमले के लिए जिम्मेदार कई हैं, नो डाउट अबाउट, मतलब बहुत सारे लोग हैं इसमें, बहुत सारे क्या बोलूं, बहुत सारे फ्रीडम फाइटर्स बहुत सारे हैं। संख्या मुझे नहीं पता कितनी है, अभी तक बीएलए ने डिस्क्लोज भी नहीं किया। ठीक है, बीएलए के साथ साथ और भी कई ऑर्गेनाइजेशंस भी हैं इसमें, लेकिन बीएलए ने जो प्रेस रिलीज निकाली मैं उसको बात कर रहा हूं। जितने लोग मारे गए हैं उनकी बॉडी ये बोला है कि हमारी कस्टडी में, हम लोगों के पास है, लेकिन हम आपको देंगे तब जब हमारा मन करेगा। साथ में जितने लोगों को पकड़ा गया था उनको हम लोगों ने धमकी देकर निकाल दिया है। हाँ, ये जो ऑपरेशन इसमें फियर्स क्लैशेस चल रहे हैं और ये 70 किलोमीटर के रेडियस में हमला कहां का हुआ है? मच एक की जेल पे, रेलवे स्टेशन पे, थाने पे और फ्रंटियर कोर पे। पाकिस्तान को समझ में आ गया कि इतना बड़ा हमला है। पाकिस्तान ने उसके बाद क्या किया? पाकिस्तान ने क्वेटा जो एरिया है, क्वेटा रीजन, उसके सारे हॉस्पिटल्स को इमरजेंसी इमरजेंसी पे डिक्लेयर कर दिया। वहां पे जो लोग घायल हैं जो हैं वो पहुंच रहे हैं, लेकिन बीएलए ने सारी रोड्स ब्लॉक कर दिए, कोई एड नहीं पहुंचने दे रहे अंदर। उनका ऑपरेशन जारी है, उनके ऑपरेशन का मिशन क्या है अभी तक नहीं पता है। उनके ऑपरेशन में आगे वो क्या करने वाले ये भी नहीं पता। क्या इस एरिया में वो ज्यादा देर रहने वाले? नहीं, ज्यादा देर नहीं रहने वाले। वो अभी हैं यहाँ पे, अपना ऑपरेशन पूरा करेंगे। ये बोला कि हम ये दुश्मन फोर्स को यहां से क्लियर करके फिर उसके बाद निकलेंगे। दुश्मन फोर्स उनकी उनकी जो दुश्मन फोर्स है बलूच लिबरेशन आर्मी, यानी कि उनके फ्रीडम फाइटर्स की जो दुश्मन फोर्स है वो पाकिस्तानी आर्मी, पाकिस्तानी पुलिस है। पाकिस्तान को इस पूरे हमले की जानकारी बहुत पहले लग गई थी। हमले का मैग्नीट्यूड इतना बड़ा है कि इससे निपटने के लिए जेकबाबाद एयरफोर्स बेस से फाइटर जेट्स उड़े हैं। वो जाके कहीं बॉम्बिंग करेंगे क्योंकि उस पूरे एरिया में इतने सारे बलूच फाइटर्स हैं कि पाकिस्तानी आर्मी बिल्कुल निष्काम हो चुकी है। फ्रंटियर कोर के जो ठिकाने थे उन सब पे हमला करके उन पे कब्जा कर लिया गया। क्वेटा से हेलीकॉप्टर्स उड़े हैं आर्मी के,
बहुत कम पोस्ट है वहां पे, जो जितनी भी थी उससे लोग या तो भाग चुके हैं या जो बचे हैं वो पकड़े गए थे और उनको धमकी देकर के बोल दिया कि अब तुम इस ऑपरेशन से बाहर रहना। ऐसा ऑपरेशन है कि इसमें जो आर्मी के जितने व्हीकल्स थे सारे के सारे जितने भी इनके हाथ पड़े सारे चला दिए गए। तो आर्मी की मूवमेंट, पहले तो क्या होता है कि आर्मी के 50 व्हीकल है, 20-20 एक एक में व्हीकल में ट्रक में चढ़े और मूव कर गए कि कहां जाए। 70 किलोमीटर के एरिया में जब ऑपरेशन हो रहा है तो आर्मी के व्हीकल जला दिया गया कि आप 20 किलोमीटर दूर नहीं जा सकते। यहां पे 20 है लोग बीएलए के, उन्होंने जलाए और वो आगे मूव कर गए। अच्छा वीडियो भी है इसका, अब वीडियो भी आ रहा है। अच्छा ये चीज और कि दूसरी जगह जो जेल में जो ऑपरेशन कर रहा है वो जेल वाले अपना काम कर रहे हैं, रेलवे स्टेशन वाले अपना काम कर रहे हैं, सब अपने अपने काम में लगे हैं। बड़ा ही कोऑर्डिनेटेड ऑपरेशन है और इस कोऑर्डिनेटेड ऑपरेशन ने कई लोग, कई आर्मी के लोग होस्टेज ले लिए। अब एक चीज और कि ये इस ऑपरेशन का मिशन क्या है अब तक नहीं पता। बलूच लिबरेशन आर्मी के जो लोग हैं वो ये बोल रहे हैं कि हम इस एरिया को सैनिटाइज किया। सर शहबाज शरीफ साहब तो अभी भी कह रहे हैं कि नवाज शरीफ साहब ने जो इकोनॉमी को ठीक करने का प्लान बनाया था वो लेके भारत ने अपना सब कुछ ठीक कर लिया। बहुत सही कहा। उन्होंने तो ये भी फरमाया था कि चांद पर हमने जाना था। आए हाय, चांद पे कहते, चांद के ऊपर तो प्लाटिंग जाके हमने करनी थी भाई, शरीफ कॉलोनी बनानी थी वहां पे जाके। बैरिया टाउन वाले तो भाईजान भाग गए हैं, कहते हमने जाके वहां पे इतफाक जो कॉलोनी का बुनियाद रखनी थी चांद पे, हमने तो प्लाटिंग कर ली थी, ये तो भारत चोरी करके ले गया। भाई वाह, भाई वाह, आफरीन है, तालियां बजनी चाहिए इस पर भी, बेशक। लेकिन उसमें आरज़ू, ये तो इनकी तो हर चीज चोरी हो रही है ना, क्योंकि चोरों की चीजें चोरी होती हैं। देखिए ना, आप देखिए दो चीजें बताऊं, जो आप खुद होंगे आपको नजर आएगा कि हर बंदा वही काम कर रहा है कि चोरी कर रहे हैं। यार देखो ये चोरी करके ले गए, हम भी ये कर ले, ये चोरी है यार, डाका है, क्योंकि सारे 76 सालों में यही कुछ हो रहा है। कोई भी ये डिमांड नहीं करता, सब ये कहते हैं कि यार जो अवेलेबल रिसोर्सेज है उसमें तो राइट्स दिए जाए, जो बेसिक ह्यूमन राइट्स है वो तो दिए जाए, हम आपसे ज्यादा नहीं मांगते। तो ये मेरे ख्याल में हर किसी का हक है और कोई भी लड़ना झगड़ना नहीं चाहता। मेजॉरिटी की मैं बात करूं, होंगे इस तरह की तरीके भी चल रही होंगी, लेकिन मेजॉरिटी बंदूक नहीं उठाना चाहते, मेजॉरिटी लड़ना नहीं चाहते, कहते यार हम इस तरह का पुरअमन प्रोटेस्ट करके और अपनी आवाज पहुंचाना चाहते। लेकिन अगर उसको भी आप नहीं सुनेंगे तो वो आवाज कहीं ना कहीं तो जाके पहुंचेगी, वो यूनाइटेड नेशन हो, वो अमेरिकन कांग्रेस हो, वो कहीं और हो, कहीं और वो पहुंचेगी। बजाय इसके कि हम इस मसले को मजीद तूल देकर, मजीद लिंगर ऑन करके मजीद खराब करें, इसको ठीक करना पड़ेगा।